हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की एकदम टेस्टी खीर की रेसिपी। आप एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत ज्यादा आसान है और इसमें कोई भी मिल्क पाउडर या फिर हमने मावा नहीं डाला है। एकदम टेस्टी और रबड़ीदार खीर बनी है। बस कुछ खास टिप्स का आपको ध्यान रखना है, आपकी खीर भी एकदम परफेक्ट बनेगी केवल दूध के साथ। तो चलिए इंस्टेंट साबूदाने की खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं आधा कप जितना साबूदाना। जो साबूदाना है वो हमने यहाँ पे छोटे वाले लिए हैं। इन्हें भीगने में करीबन 2 घंटे लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इन्हें हमने भिगा दिया पानी में और इन्हें हम 2 घंटे तक छोड़े रहिए। देखिए 2 घंटे में हमारे साबूदाने अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इनका पानी जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी निकाल लिया है, अब दूध को उबाल लेंगे। साथ में डाल देंगे क्रश करके इलायची और दूध में हमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा यहाँ पे जो इलायची है उसका फ्लेवर भी अच्छे से फैलने लगेगा, इसीलिए इस स्टेज में ही आपको इलायची डाल देनी है। तो यहाँ पे जब तक हमारा दूध पक रहा है हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। इसके लिए 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे और साथ में बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम, गरी सारे ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इन्हें 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इनमें क्रंच आ जाएगा और ये खीर में और भी ज्यादा बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1-2 मिनट मैंने इन्हें रोस्ट किया और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा मॉइस्चर इनका चला गया है और इनमें क्रंच आ चुका है। इससे ज्यादा हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। सेम पैन में 1 चम्मच घी गर्म करेंगे। इसके बाद जो साबुदाने हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना एक बात का, जो पानी है वो अच्छे से आप निकाल दें। बाद में हमें साबुदाने को रोस्ट कर लेना है। तो इन्हें जब हम रोस्ट कर लेंगे ये थोड़े से पक भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बाद में हम जब खीर में इन्हें डालेंगे तो इनका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी खीर। और ये देखिए साबुदाने हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, दिख सकते हैं। और यहाँ पे दूध में भी उबाल आ गया है। ये देखिए दूध को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पे हम ये साबुदाने डाल देंगे। दूध को हमें साबुदाने के साथ ही पकाना है क्योंकि साबुदाने पकने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करके पानी मिला सकते हैं। अब हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और साबुदाने को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले ये रेसिपी शेयर की थी आलू टिक्की दही वड़े की। आप एक बार ये बना के जरूर ट्राई करेगा। इसे हमने फ्राई नहीं किया है, बिना फ्राई करे बनाओ, नवरात्रि के लिए बेस्ट है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए यहाँ पे जो दूध है उसमें गाढ़ा बनाना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं साबुदाने का साइज भी बढ़ने लगा है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच इतनी चीनी और साथ में 2 चम्मच डाल देंगे मखाने का पाउडर। मखाने को सिंपल आपको भून लेना है, इसके बाद इसे पीस लेना है और इसका पाउडर बन जाएगा। ये जब आप खीर में ऐड करेंगे तो इससे गाढ़ापन भी आएगा और टेस्ट भी काफी ज्यादा एनहेंस होता है। अब हम इसे पकाएंगे। ये देखिए जो खीर है काफी ज्यादा पक चुकी है। अब हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर लें और जब तक इसमें बबल्स नहीं आ जाएंगे तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए जो बबल्स हैं वो आने लगे हैं, साइड में मलाई भी जमने लगी है। तो इसकी मलाई निकालते जाते हैं और देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, ये हमने पहले से फ्राई किए थे, ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए एकदम रबड़ीदार हमारी खीर बन के तैयार है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए सर्व करने से ही आपको लग रही होगी कितनी इंस्टेंट बनी है और इसे अगर आप थोड़े टाइम रखे रहेंगे तो ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी हो जाएगा। ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम के साथ। और ये देखें फ्रेंड्स हमारी खीर बनके एकदम तैयार है। तो आप इस नवरात्रि में मेरे तरीके से साबुदाने की खीर बना के जरूर ट्राई करें। बनाना भी आसान है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।